अंदर कैसे आए, पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था? बेरोजगारी, देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। खासदाराक सस्पेंड करून बीजेपीन लोकशाहीची हत्या केली। बीजेपी संविधानाक मानिना, ताचो वापर करून सत्तेर येता। गोयात आझाद मैदानाचेर काँग्रेस, आप, टीएमसी, शिवसेना आणि शरद पवार एनसीपीची एकठाय निदर्शना। खासदारांनी जे डिमांड केलो की ताणी उलोचे, तांकां सस्पेंड करून उडयले। सो खुंय तरी आज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चल्ल्या, खुंय तरी आज लोकांचो आवाज धांपाचो प्रयत्न चल्ला। एकूच हांव ह्या सरकाराक चेतावणी दिवपाक सोदता की तुम्ही कितले जरी प्रयत्न केले, लोकांचो आवाज धांपाचो प्रयत्न केले, खासदारांक सस्पेंड केले, आमचे लिडरशीप राहुल गांधीन जेन्ना अडानीचो जेन्ना इशू काढिल्लो, मोदानीचे जेन्ना रिलेशन विचारिल्ले तेन्ना इल्लिगल पद्दतीन 24 तासां भितर ताका खासदार म्हणून ताणी काढून उडयल्लो। दे वर फायटिंग फॉर देअर राईट एंड इट इज शेमफुल एंड दिस शोज द डिक्टेटोरियल अप्रोच ऑफ दिस गव्हर्नमेंट। दोतोर कालुसान जे सांगला, दे बॉट इन लॉज पर्टेनिंग टू सेवरल सेक्शन्स पर्टेनिंग टू आयपीसी, पर्टेनिंग टू क्रिमिनल ऑफेन्सीस, एंड दीज हॅड टू बी डिबेटेड। जो ऑपोजिशन लिडर्स आसा, जे ऑपोजिशन एमपीज आसा, तांकां पार्लमेंटांतल्यान सस्पेंड करता फक्त प्रश्न विचारता म्हणून। ब्रीच जाली, सेक्युरिटी ब्रीच जाली, 5 फोल्ड सेक्युरिटी आसा भितर सरपा पार्लमेंटान, अशा वेळार ते फ्लॅर पावले कशे भितर? हाजेर अमित शाह कांय उलयना। लोकांचे जे ध्यान आसा ते विचलित करपाचे कटकारस्थान हे भाजपान केल्ले आसा। आनी आमी जर बारीकसो भाजपाचो किंवा मोदींचो, कित्याक आज भाजपा म्हणून उरिल्ली ना, आज उरला तो फक्त नरेंद्र मोदी जो आमचो पंतप्रधान आसा, ताजी सत्ता आसा, भाजपाची सत्ता न्ही, म्हाका खंयच भाजपाची म्हणून सत्ता दिसना। सगळे ऑपोजिशन एकठांय केल्या, जेचे आयज आमी हिंगा एकठांय जाल्या जेन्ना हो इशुआचेर, तशे आयज ऑपोजिशनांनी दाखयला की वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग। आनी इंडिया एरलायन्स म्हणटा ते हेजेर कोवता आयज, कित्याक जो हुकुमशाही जी आयज चल्ल्या, हुकुमशाही हे तर ऑपोजिशनाक तर हे भाशेन कोत्ता जाल्यार चुकीचें। जाल्यार नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार संपूर्ण देशभर ह्या देशाक सोंपोवपाक आयिल्लें आसा, ते सगळ्या लोकांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा। इंडिया एरलायन्स म्हणून आमी भिवन सगळे एक कडेन येवना, तर हे लोकांची मनशां, लोकांच्या मनान जे कितें आसा पळय ते आयकून हे सगळे जे पॉलिटिकल पार्टी आसा ते आज एकत्र आयिल्ले आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।